एक तलाक ऐसा जिसकी खबर जिसको भी लगी, जिसका भी गया ध्यान, सबके जहन में पनपे सवाल। सारा से सचिन के तलाक की जानकारी ऐसी मिलेगी, किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। रिश्ते टूटे तो क्यों टूटे, इस उलझी गुत्थी में उलझे लोग। अब से नहीं, न जाने कब से सचिन सारा के तलाक के मसले को दबा कर रखा। आप भी सुनेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजनीति में अहम स्थान रखने वाले सचिन पायलट की जिंदगी, सियासत से इतर उस तलाक के बारे में जिसके बारे में अब तक किसी को जानकारी थी ही नहीं। जानकारी मिली तो कुछ अलग ही तरीके से, बिल्कुल ही अलग तरीका, जिसके बारे में ना तो सचिन पायलट ने कभी कहा, ना ही उनकी पत्नी रह चुकी सारा ने की। दोनों के बीच तलाक का ये मामला राज ही रहता, इस राज पर शायद ही कभी पर्दा उठता। खुलासा बस इसलिए हो गया क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति के मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक होने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि तलाक कब हुआ। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास है। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आर्यन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था, लेकिन इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चली थी। उस वक्त इन्हें अफवाहें बताकर खारिज कर दिया गया था। पायलट ने सारा से जनवरी 2004 में शादी की थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। दिसंबर 2018 में सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस दौरान समारोह में सारा पायलट, दोनों बेटे और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। पायलट की प्रेम कहानी पूरी तरह फिल्मी है। सचिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी। सचिन और सारा ने जनवरी 2004 में शादी की थी। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन राजनीति के मैदान में उतरे। महज 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सबसे युवा सांसद बने। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अब ऐसे में सवाल है कि जब इतने विरोधाभास के बाद भी सचिन और सारा ने शादी की तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे से अलग रहना ही ठीक समझा।